नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं वेबसाइट पे। आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम में जाने के बाद अब टाइप करिए सरकारी रिजल्ट उजाला, सरकारी उजाला, यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए ये हमारे साइट खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑनलाइन फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल चुका है। लिखा हुआ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट 2024। चलिए इसका हम फॉर्म भरने का डेट बताते हैं, जो कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है, कल से भरा जा रहा है, यानी 15 तारीख से। ये आपका फॉर्म भरने का डेट है, फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 15/4/2024, और लास्ट डेट की हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 14/5/2024 तक भरा जाएगा। और फीस हम की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, और एससी एसटी पीएच के लिए 250 रुपये है। अब जॉब लोकेशन बात करेंगे तो जॉब जो है तो ऑल इंडिया है, और एज लिमिट की हम बात करते हैं 18 से 28 ईयर तक है कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए एज है 20 से 28 ईयर। रेज छूट की हम बात करेंगे तो नोटिफिकेशन अनुसार जो दिया गया वो आपको रेज में छूट मिलेगा। टोटल पोस्ट है, मतलब टोटल वैकेंसी कितना है, 4660। यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम देखते हैं पोस्ट कितना है। कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट है, 4208, और सब इंस्पेक्टर के लिए कितना है, 452। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कांस्टेबल के लिए 10वीं पास है, और इस सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए आप सब इंस्पेक्टर में भर सकते हैं। फिजिकल की हम बात करेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। एससी एसटी की हम बात करेंगे हाइट की, तो 107 सेंटीमीटर मेल के लिए है और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। रेस की हम बात करेंगे तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रेस है, जो कि 5:45 में आपको पूरा करना पड़ेगा, और फ्री मेल की हम बात करेंगे तो 800 मीटर है, जो कि 3:40 में पूरा करना पड़ेगा। एसआई के रेस की हम बात करते हैं तो 1600 मीटर रेस है, 6:30 में पूरा करना पड़ेगा मेल के लिए, और 800 मीटर रेस है फ्री मेल के लिए। लॉन्ग जंप की बात करेंगे कांस्टेबल के लिए तो 14 फीट है मेल के लिए, और 9 फीट है फ्री मेल के लिए। लॉन्ग जंप हम एसआई की बात करेंगे तो 12 फीट है मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। हाई जंप की हम बात करेंगे तो कांस्टेबल के लिए तो 4 फीट मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए। और सिलेक्शन की मोड की हम बात करेंगे तो पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर वेबसाइट टेस्ट मतलब होगा, इसका पीटीपीएसटी होगा आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, इसके बाद फाइनल आपको मैरिज लिस्ट बनेगी, ठीक है।